गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अंततः आपका ये पेपर पीजीटी इंग्लिश 2016 हो ही गया। अग्रिम बधाई हो आपको। पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, वैसे डिफ़िकल्ट नहीं मानूंगा, जिसने कंसंट्रेट करके इसको दिया है तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल जो पेपर सेटर ने किया वो ये किया कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा करके दिया। मैंने इस पेपर की आंसर की बनाने का प्रयास किया है जो लगभग ऑथेंटिक है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। दो या चार क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं लेकिन ये अपने आप में लगभग सही आंसर की है। मेरे पास इस बुकलेट की सीरीज़ में सी सीरीज़ की है और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो सी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है वो है, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स। ये मैथ्यू आर्नोल्ड की डावर बीच एक पोएम है, उससे लिया गया है। ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय थॉमस हार्डी अपीयर्ड एनोनिमसली। इसमें सी ऑप्शन डेस्परेट रेमेडीज सही है। क्वेश्चन नंबर तीन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय कमला दास। तो इसका डी ऑप्शन द अनफिनिश्ड मैन सही आंसर है। ए बॉयज़ विल इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर पाँच, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो इसका सी ऑप्शन फिएस्टा ये सही है, क्योंकि फिएस्टा द सन ऑल्सो राइजेज का अमेरिकन वर्जन था। द मीनिंग ऑफ टू गिव ए वाइड बर्थ इज़ टू कीप वन एट ए डिस्टेंस, ए ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर सात, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और वो है, आई सी यू कमिंग आउट ऑफ ए लाइट ब्लू कार। इसमें पन है लिटोटीज, पैथेटिक फॉलेसी और इन्वेंडो, ये तीनों में से कोई नहीं है तो इसका संभवतः पन ही जाएगा। द करेक्ट स्पेलिंग इज एक्यूमुलेट, ए ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन, टू बकल डाउन का मतलब होता है वर्क सीरियसली। क्वेश्चन नंबर टेन, मुल्कराज आनंद इज द रिसिपियंट ऑफ पद्म भूषण, इनको मिला था। इलेवन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज साइटेशन। इसका बी, पावरफुल एंड यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवल, ये सही है इसका। उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो जाते हैं, आवर चीफ एलिमेंट ऑफ पोइट्री इज इट्स, यहाँ से शुरू होता है और इसके क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इससे होता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय रिवीलिंग पावर ऑफ पोइट्री, और इसका डी ऑप्शन सही है। देन क्वेश्चन नंबर 13 आता है, और इससे 13 है, इन अ सेंटेंस देयर आर फ्यू ऑफ अस हु हैव नॉट सम एंडोमेंट। इसमें सी ऑप्शन, हार्डली एनी ऑफ अस, ये सही है। 14 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, में ए ऑप्शन, द ट्रू पोइट कैन कंपोज पोएम्स ऑफ ग्रेटर वैरायटी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देन कम्स 16 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेसिंग ऑफ पोएट्री कैपेसिटी इन द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ केसेज। इसका क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ अवेयरनेस सही है। 17, टॉर्पर मीन्स एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लैंड मी हिज बुक, इसका सही डायरेक्ट है सी ऑप्शन, आई आस्क्ड हिम विल यू लैंड मी योर बुक। क्वेश्चन नंबर 19, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, इसका बी, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, ये सही है। 20, शी आस्क्ड अस इफ ही हैड एनीथिंग टू से, इसका सही आंसर है डी, शी सेड टू अस डू यू हैव एनीथिंग टू से। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको बी किया होगा, हैव यू एनीथिंग टू से, लेकिन वैसे तो दोनों ही ठीक हैं लेकिन ज़्यादा बेहतर डी है, क्योंकि ग्रामर के एतबार से डी ऑप्शन पूर्ण रूप से सही है जबकि बी गलत साबित हो जाएगा। सही ऑप्शन डी है इसका। 21, ही टोल्ड मी यू आर लकी एंड आई एम अनलकी, में ऑप्शन नंबर ए, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज लकी एंड ही वॉज अनलकी, ए सही है इसका।
क्वेश्चन नंबर 22 में ऑल फॉर लव क्लोजेट ड्रामा नहीं है, बाकी सब ये क्लोजेट ड्रामा है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी हीरोइक कपलेट के अंदर अनराइम्ड पेंटामीटर नहीं होता, यानी राइम्ड पेंटामीटर होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस है, इसके दो मतलब निकल सकते हैं, ये फ्री वर्स में भी आ सकता है, पता नहीं जो पेपर सेटर का मन होगा किस लिहाज से उसने कहा है। मेरे हिसाब से हीरोइक कपलेट है इसका, ये क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, फ्री वर्स भी इसका हो सकता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 24 इसका ए ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है वो सही है किड्स की लाइफ के बारे में, तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन सी 42 इयर्स ये बिल्कुल सही है। 26 हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमांस, ये बात शेक्सपियर के बारे में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने की है लाइफ ऑफ शेक्सपियर में, हु सेड हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, ये बात ड्राइडन ने एसेज ऑन ड्रामेटिक पोएजी में कही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवेंज ट्रेजेडी, वॉलपोर्न नहीं है इसमें क्योंकि ये एक पोएम सॉरी कॉमेडी है। 29 में विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लाई टू ए ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एंड इंपॉर्टेंट एक्शंस, इसमें ट्रेजेडी आता है। 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, ये पोएम थोड़ा एम्बिगुअस है, संभवतः मेरे हिसाब से ये इसका सी होना चाहिए, बाकी के तीन ऑप्शन मुझे ठीक लगते हैं, सो सी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। 31 में एलास्टर का द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड सब टाइटल है, सो बी इसमें बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड में ये डी ऑप्शन डॉक्टर रैंक नहीं है, बाकी के ऊपर के तीन हैं। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू ग्रामर, इसमें डी वुड का इस्तेमाल कभी भी ऑट टू के सेंस में नहीं हो सकता है, इसका डी सही है। प्रेल्यूड में 14 किताबें हैं और समथिंग टू टर्न अप ये फ्रेज ये टर्म डेविड कॉपरफील्ड में मिस्टर मिकॉबर के लिए कहा, डिकेंस के द्वारा लिखी था ये। द फॉलोइंग ऑथर्स रोट द एसे नेपल्स इंडिया एंड माइन, ये निसीम ज़कील हैं और इसमें मिसमैच 37 है, मिसमैच है क्राइटेरिया ये बाकी के चारों सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हैं, लेकिन ए ऑप्शन में पहले प्लूरल दिया है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है क्राइटेरिया सिंगुलर होता है, तो ए इसमें सही है। 38 में बी पार्ट में एरर है क्योंकि सुपीरियर के बाद टू भी आना चाहिए। 39 में ए पार्ट गलत है क्योंकि दोनों ही हिस्से सेंटेंस के फ्यूचर में नहीं जाएंगे, ए सेक्शन में से वेल हटना चाहिए। 40 में हेडवीन के स्थान पर हैज होना चाहिए, ए में गलती है। 41 में फेलिंग के बाद ऑफ आंसरिंग आना चाहिए, बी सेक्शन में गलती है। 42 में सी सेक्शन में ब्रेक अप के जगह ब्रेक्स आउट होना चाहिए क्योंकि फैल जाना आग वगैरह फैल जाने के लिए ब्रेकआउट का इस्तेमाल किया जाता है। 43 में सुपरसीलियस का ओपोजिट रहता है मीक और अम्बल, क्योंकि सुपरसीलियस का मतलब एरोगेंट होता है और जबकि इसने ओपोजिट पूछा है तो ये मीक एंड अम्बल। जो द फॉलोइंग इज रिटन इनकरेक्टली, इसमें एटलीस्ट इनकरेक्टली लिखा गया है क्योंकि एट और लीस्ट के बाद बीच में स्पेस है। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, तो इसमें ये क्वेश्चन हमारा लगभग गलत जाएगा, इसका डी ऑप्शन जाहिर तौर पे गलत है। वी सिंक्लेयर नहीं है इसका पूरा नाम, अपटन सिंक्लेयर है, वैसे इसका बी भी सही हो सकता है क्योंकि रॉक टाइम एक हिस्ट्रिकल फिक्शन है। ये क्वेश्चन
डेफिनेटली ऑब्जेक्शन में जाएगा, इसका एक नंबर सभी को मिलेगा लगभग। 46 विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच। मेटोनिमी के अंदर इसका सी ऑप्शन सही है। मेटोनिमी ए पार्ट ऑफ समथिंग इज़ यूज टू सिग्निफाई द होल, इसमें यह सिनेक्डोश होता है, सी ऑप्शन सही है। 47 में 47 बी डेफिनेटली एक ऑब्जेक्शनलेबल क्वेश्चन है, ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि फॉग मेटाफोरिकली एक कैरेक्टर है ब्लीक हाउस में डिकेंस के द्वारा। इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 48 इन द पोएम टेनिसन डज स्टार्ट विद दिस हीरोइक लाइन करेज ही सैड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड, द लॉटस ईटर्स की लाइन है, डी ऑप्शन सही है। टेनिसन को पोइट लॉरिएटशिप मिला था 1850 में आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ। देन इन 50 इट रेन्ड ऑल मंडे एंड स्टॉप्ड रेनिंग ड्यूरिंग दैट नाइट, ये मार्टिनेट की बुक है ग्रामर की, उसमें से उठाया गया, सेम क्वेश्चन उठाया गया है। यू नीड नॉट हैव वाटर द फ्लावर्स, डी ऑप्शन सही है। 52 में ही वॉज एंग्री बट ही लिसन, बट इसमें आएगा। 53 में देयर आर स्केयर्सली एनी फ्लावर्स इन द गार्डन, ये आएगा। जॉन ड्राइडन्स ऑल फॉर लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक ट्रेजिडी, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड द फादर ऑफ मैन, वेल नोन लाइन वर्ड्सवर्थ। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल ब्रूटली एज वेल असेल कीट्स सेकेंड वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स पब्लिश इन 1818, और ये द क्वार्टरली रिव्यू था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाई चार्ल्स लैम, चार्ल्स लैम ने रोजरमंड ग्रे लिखी है। 58 थोड़ा सा एम्बिगस है, इसके मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है, इसको चेक कर लेना ज़रा थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, इसका ए सही है। 60 में ब्लैक एंड वाइट का मतलब राइटिंग होता है, इन राइटिंग द टचस्टोन मेथड मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया था। लेटर डे साम्स के लिए इज़ेकील को साहित्य का एकेडमी अवार्ड मिला था, और उसके बाद 63 में बी सेक्शन गलत है, इनकरेक्ट पूछा है। नाइदर ऑफ द एक्सपर्ट्स के बाद वाज आना चाहिए वर्ब, द करेक्ट स्पेलिंग इज क्लोरोफिल में बी, जो स्पेलिंग है PHYLL वाला वो सही है। 65 में एफोरिज्म का मतलब होता है शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज। एनिमोसिटी मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड, और यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है एक बिलीफ दैट एंडोर्सेस ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। 68 इवन ए बैलेड ए लाइन और स्टैंजा इज रिपीटेड बट विद एन एडिशनल दैट एडवांसेस ए स्टोरी, तो दो ये रिपीटेशन रेफरेंशियल रिपीटेशन होगा, ए ऑप्शन इसका सही है। 'Which of the following statement is not correct with reference to ode?' ये इसका सी ऑप्शन सही है, रेगुलर ओड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई थॉमस ग्रे, ये गलत है इसका। देन 70 विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th, इसको टिंटन एबे को कहा थॉमसन ने। और इज द नेम ऑफ ग्रीक ट्रेजिडी रिटन बाय, ये मीरोप इज ए ग्रीक ट्रेजिडी है, आर्नोल्ड ने इसको लिखा है। 72 में वुडलैंडर्स में ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, मलबेरी एंड गाइस विंटरबर्न। 73 जो प्रोटैगनिस्ट है ये टेस डी ऑफ डी अर्बर वलीज में है हार्डी का। देन 74 फॉर अल्टरनेटिव्स ऑफ कन्वर्टिंग डायरेक्ट इन डायरेक्ट के अंदर, ये नीड आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट, इसका सी ऑप्शन सही है, द बॉय आस्ड इफ ही हैड फिनिश हिज ब्रेकफास्ट।
75 49 पोयम इन याम्बिक पेंटामीटर, ये शेक्सपियरन सोनेट है। उसके बाद जो उनकी ऑड टू ऑटम, ये इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि ये एक रेगुलर ऑड है। 77 जॉन कीट्स का वर्जन टेल ऑफ फ्रॉम बोकेसियो, ये इसाबेला और द पोर्ट ऑफ बासिल इसका ऑप्शन सही है। देन 78 लैम्स से आर शॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंटरी ऑटोबायोग्राफी और द फोर पेयर्स फाइंड आउट विच इज मिसमैच। तो सी ऑप्शन सी इज मिसमैच, लव ऑफ ओल्ड बेंचर लव्स लैम्स ब्रदर, ये गलत है। 79 का टी एस इलियट की पोएम जर्नी ऑफ द मेजाई से ये लाइनें हैं। 80 में इन मेमोरियम से संबंधित टेनिसन की ये लाइनें नहीं है, थाई रूट्स आर रैप्ड अबाउट द बोन्स, डी ऑप्शन इसका सही है। देन क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, इफ इसका ए सही है, इफ एनीथिंग इज सैक्रेड ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड, ये विटमैन ने कहा है। 82 निसिम ज़कील, बाकी के तीन ऊपर के बाकी के तीन से जुड़ा हुआ था, ओपिनियन से जुड़ा हुआ नहीं था, डी इसका सही है। 83 टू ईविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रम्प वन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन, ये ऑन सेट की लाइनें हैं। देन 84 द मीनिंग ऑफ इडियम टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है टू सरेंडर, और इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सो नन ऑफ द अबव इज सही है। ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स बंटिंग होता है, और यूलिसिस की पोएम में, टेनिसन की यूलिसिस पोएम में ओल्ड यू का जिक्र नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स द पेटी डिल्यूजन्स एंड एंबिशन ऑफ ह्यूमन काइंड आर वॉच्ड ओवर बाय कोरिक फोर्सेस, ये डायनेस्ट की लाइन है। इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जैसे मिज़ाकिल की पोएम के अंदर नेटर के पापा के बारे में ये सेप्टिक रैशनल ट्राइंग एवरी कॉज एंड ब्लेसिंग, ये सब कहा है, ये टेक्स्ट में आया है, और इसका डी ऑप्शन सही है। एनालाइजिंग कर्मा एक्सप्लिसिटली डिनाइंग द एक्सप्लेन, आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर ऑफ लव, ये लाइनें द सनशाइन कैट से ली गई हैं। हेमिंगवे शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में पैको इज द डिमिनिटिव ऑफ फ्रांसिस्को, द मीनिंग ऑफ मीन्स मैटर इज ग्लॉस ओवर। 92 का इस लाइन में आई रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड में ट्रांसफर्ड एपिथेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग रूल इज इनकरेक्ट, और इस सेंटेंस के इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड शॉर्ट मोनोसिलेबल्स नेवर डबल दियर फाइनल कॉन्सोनेंट, यही गलत है, ये हमेशा डबल होता है फाइनल कॉन्सोनेंट में, इसका सी गलत है। 94 टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब होता है टू फेस ए डिफिकल्टी बॉडीली, बोल्डली मतलब काफ़ी बोल्डली। 95 द वेस्टलैंड पब्लिश 1922, और अमेरिकन पोइट को रॉबर्ट फोर्स को फोर्थ टाइम पुलित्ज़र प्राइज मिला था, पुराना क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है। देन फिर से आ जाता है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, और इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। We are abreast of their time. Who are abreast of the time? Logician and scientist का सही आंसर है B. 98 का सही आंसर है D. None of the above, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें नहीं हैं। 99 का are the poets dreamers, इसका B ऑप्शन सही है, Yes, poets are dreamers. 100 का in what way is the poet स्पेशलिस्ट, इसका सी सही है, ही गिव द साइंटिस्ट ए फ्लैश ऑफ द फ्यूचर विच इज विच द साइंटिस्ट टेक्स एंड मेक्स ओवर इन टू फाइबर ऑफ द टूडे। 101 का डी ऑप्शन सही है, एवरी फॉरवर्ड स्टेप इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ इज फर्स्ट टेकन अलॉन्ग द ड्रीमी पाथ्स ऑफ इमेजिनेशन।
102 पहला ही ऑप्शन सही है इसका, फार्मास्यूटिकल। 103 ही जो ग्राफिक्स वो राइटिंग्स होती हैं जो क्रिश्चियन सेंट्स के बारे में लिखी जाती हैं, द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, ये सी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आई विल टेक आइदर, आइदर सही ऑप्शन है, मैं कोई भी ले लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा लूँगा, आइदर बी इसका सही है। मैन डिनाइड हैविंग बीन इन द हाउस, डिनाई के बाद परफेक्ट जीरेंड आएगा और वो है हैविंग बीन। हंड्रेड जीरो सिक्स में दिस वन इज द बेटर ऑफ द टू, दो के में दो के बीच में तुलना के लिए हम कंपेयर डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। ही गॉट टू होम लेट, गेट टू का मतलब रीच के सेंस में होता है, इसमें ऑप्शन ए टू सही है। उसके बाद इफ़ यू ट्राइड अगेन, पास इंडेफिनिट है, इधर वुड जाएगा, सी ऑप्शन वुड सही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा आई एन जी फॉर्म जीरेंड आता है, बी सेंस बी ऑप्शन ठीक है। 110 विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अंडरस्टैंडमेंट, अंडरस्टैंडमेंट एक अपोजिट होता है हाइपरबोले का, और इसमें दो जो सेकंड है वो गलत है, यानी इसका ऑप्शन ओनली सेकंड सही है। हु इज़ डिस्क्राइब्ड पोएट्स पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, ये पोएट बहुत अच्छा है, जनरली पोएट्स पोएट स्पेंसर को कहा जाता है, लेकिन 19th सेंचुरी इसमें मेंशन किया है, तो 19th सेंचुरी का पोएट्स पोएट मेरी नज़र में विलियम वर्ड्सवर्थ को जाएगा। वैसे ज़्यादातर जो फोर्स है इसी बात पर है। 112 अबाउट होम डिड अर्नोल्ड राइट इन द पोएम मेमोरियल वर्सेस, ये एलटी ग्रेड में काफ़ी पॉपुलर रही थी पोएम, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए आया है। टीएस इलियट्स क्रिटिकल नोशंस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव क्वालिटी, ये दोनों ही टर्म इलियट ने इटालियन पोएट सिद्धांते से लिए हैं। विच नॉवलिस्ट क्रिएटेड ए फिक्शनल मिसिसिपी काउंटी, योगना पटाफा, पुराना क्वेश्चन है, फॉकनर्स जुड़ा हुआ है इससे। 115 फोर alternatives ऑफ कन्वर्टिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो रहा है ये, लेट अस सेल द हाउस सेड मोहन, लेट्स नॉट सेड, इसका सही ऑप्शन है सी, मोहन सजेस्टेड सेलिंग द हाउस पुट बट प्रिया वाज अगेंस्ट इट। देन 116 क्वेश्चन आया है, थ्री यूनिटीज में यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन होता है, यूनिटी ऑफ इवेंट्स मतलब ए ऑप्शन नहीं होता, यही सही है। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसके अंदर मिसमैच डी है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की 2A स्काईलार्क नहीं है, बल्कि 2 द स्काईलार्क थी उसकी, 2A स्काईलार्क शैली की पोएम है। 118 में ये एडोनिस की पब्लिकेशन है, 1821 का 23 ये गलत है। 19 ड्रीम चिल्ड्रन के अंदर ये तीन ऑप्शन आए हैं, चिल्ड्रन इन द बोर्ड, रॉबिन रेडब्रेस्ट, 12 सीजर, फीबी का जिक्र नहीं है, डी ऑप्शन सही है इसमें। द लाइन्स आई एम पोज्ड बाय द फाइव सेंसेस टू फियर द फाइव सेंसेस आर टेकन फ्रॉम हाइम इन डार्कनेस बाय निस्सीम ज़ेकेल, द गिफ्ट आउटराइट, पूरी पोएम है गिफ्ट आउटराइट, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, गिफ्ट ऑफ आउटराइट ये कोई पोएम नहीं है, तो अगर चाहे तो इसे ऑब्जेक्शन में डाल दें किसी का अगर गलत हो तो, और सही अगर हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम द गिफ्ट आउट राइट है, ना कि गिफ्ट ऑफ आउट राइट। वैसे क्वेश्चन को देखते हुए इसका बी सही है, जिन्होंने नन ऑफ द अबव लगाया है वो भी सही जाएंगे, हो सकता है ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन में जाए। हु इज़ बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बाबा स्टेट यूनियन बाई आनंद, ये विजय चंद था। देन 123 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच इन व्यू ऑफ वर्ड एंड मीनिंग, हॉर्ड एक झुंड होता है, एंथुजियास्टिक नहीं होता है, यही इसका सही है ए ऑप्शन।
24 में फेथफुल सेफर्ड अपेयर करता है रग बाई चैपल, ये पास्टोरल एली जी है, अपने पापा के ऊपर लिखी थी अर्नोल्ड ने। 125 विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिकल्स वॉज स्टडेड बाई विटमैन, विटमैन ने द लॉन्ग आइलैंडर एक न्यूज़पेपर सबसे पहले उसको चलाया था, और इसका ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं थोड़ी मेरिट के बारे में। मेरिट मेरे ख्याल से जिस तरह से पहली बार इस तरह का पेपर पेपर सटर ने रखा है, मैं मानता हूँ कि जो एक लेक्चरर बनने जा रहा है कैंडिडेट, उसको इतनी नॉलेज इतनी जानकारी होनी ही चाहिए। और मेरे ख्याल से जो 95 से 100 के बीच में हैं वो फाइट में हैं, 90 अबव बीसी में 90 अबव वालों का सिलेक्शन हो सकता है, और एससी में 85 वालों का सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। वैसे इनके आसपास प्लस माइनस 5 क्वेश्चंस आप कर लें, बाकी बेस्ट ऑफ लक। और जिनके कम रह गए उनके लिए अगली मेहनत करें, और जो इस लाइन में आ रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।